निर्माण आई इसके यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वीर सावरकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा, ये स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए और इन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी, ये पार्टी है, का विरोध किया। तीसरा, वीर सावरकर वर्ष 1937 से 1943 के मध्य हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। अब आपको बताना है कि वीर सावरकर के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट पहला सही है, तीसरा सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी का विरोध नहीं किया था बल्कि ये तो स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल हुए और उसके साथ साथ स्वराज पार्टी में भी शामिल हुए तिलक की, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे 1937 से 1943 के बीच में। ठीक है, अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, देखो वो होमवर्क क्या है। होमवर्क है, आपको बताना है कि इनके द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण बुक्स मतलब किताबों के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण बुक लिखी वीर सावरकर ने। ठीक, अब ये देखिए इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, ये आप देख सकते हैं 28 मई पीआईबी की खबर है ये, पीएम पेज ट्रिब्यूट टू वीर सावरकर ऑन हिज जयंती। ठीक है, तो यहाँ वीर सावरकर की बात हुई है, यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर जन्म 1883 में हुआ, कहाँ पे, बॉम्बे प्रेजिडेंसी भागुर में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और आप देख सकते हैं इनकी जो मृत्यु हुई है वो 26 फरवरी 1966 को, और उसके साथ साथ हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी किससे इनका संबंध था, हिंदू महासभा, और इनके एक रिलेटिव थे ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर। चले अब आगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता है उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। परिसीमन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक सेंसस के बाद भारत की जो संसद है वो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, बिल्कुल सही है, और इसकी अध्यक्षता है उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखना, प्रीलिम्स में इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर हम ट्रैप हो जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर क्या लिख दे, सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस लिख दे, तो वहाँ पर उस तरह की चीज़ों से ट्रैप नहीं होना है। इसने क्या लिखा, अवकाश प्राप्त, ठीक है, रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, ये देख सकते हैं आप 28 मई की पीआईबी की खबर है, परिसीमन आयोग ने बैठक आयोजित की। ठीक है, तो यहाँ परिसीमन आयोग पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये किस तरह से काम, परिसीमन क्या होता है। देखो यहाँ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन दिमाग में उठने चाहिए कि परिसीमन क्या होता है, ठीक है, परिसीमन आयोग क्या करता है, जो आयोग का डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसका, आयोग का क्या काम होता है, इसकी कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर बात है ज़रूर पता होनी चाहिए तो ठीक है, ये लो अब सारी चीज़ें जानते हैं। परिसीमन आयोग है, ये डिलिमिटेशन कमीशन है। आप सबसे पहले तो जानते हैं कि परिसीमन होता क्या है, डिलिमिटेशन, तो किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना ही। ठीक है भाई, आप जिस भी कस्बे से, जिले से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते होंगे, आपने सुना होगा कि मैं एक फलाह, हमारे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है जिसके आप वोटर लिस्ट में हो, या वो हमारा लोकसभा क्षेत्र है जिसके आप वोटर लिस्ट में हो। तो उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, कि जिस आप निर्वाचन क्षेत्र से हो उसकी सीमा का निर्धारण क्या होता है, वो परिसीमन होता है। ओके, अब देखो, परिसीमन की इस प्रक्रिया में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। मतलब क्या, सपोज करो आप जिस स्टेट से हो वहाँ पे 25 लोकसभा की सीट्स है, ठीक है, तो परिसीमन की प्रक्रिया में क्या करेंगे, सीट्स तो आपकी सेम रहेगी, बस उसका क्या चेंज क्या होती रहेगी, उसकी सीमाएं चेंज होती रहेगी। सपोज करो पहले ये कोई पर्टिकुलर एरिया था किसी लोकसभा या राज्यसभा की, विधानसभा की सीट का, ठीक है, एक सीट थी वो। अब हो सकता है सीट तो ये एक्स ही रहेगी, बस इसका डिमिलिटेशन हो सकता है, इसका जिस एरिया में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, कुछ ज़्यादा क्षेत्र को इसके अंदर शामिल कर लिया जाए, ठीक है। ताकि क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है, समय के साथ जनसंख्या में भी तो बदलाव होगा ना। सपोज करो 5 साल पहले कुछ जनसंख्या थी, 5 साल बाद जनसंख्या दोबारा से, जब चुनाव होंगे जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे 5 साल पहले, वो 14-15 साल के होंगे, तो वो भी तो वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, तो उनको भी तो एडजस्ट करना है। तो जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, ऐसा काम हो गया। उसके बाद देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, और इस अधिनियम के लागू होने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है, और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। ये तो बात होगी परिसीमन और परिसीमन आयोग के, उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब देखो इस आयोग की संरचना क्या है, कौन कौन होता है इसकी अध्यक्षता। देखिए, उच्चतम न्यायालय का एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। दूसरा, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य सदस्य भी आते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोई नामित निर्वाचन आयुक्त, या जिस भी राज्य का आप डिमिलिटेशन कर रहे हो, लिमिटेशन कर रहे हो, परिसीमन कर रहे हो, उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और राज्य के निर्वाचन आयुक्त के क्या प्रोविज़न होते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोविज़न है उसके, और इस आयोग के काम क्या है। देखो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। देखो, ये सिर्फ MCQ नहीं है स्टूडेंट्स, MCQ से तो सिर्फ हमने क्या लिया है, टॉपिक लिया है न्यूज़ से, उस पे बेस्ड हमने MCQ बनाया, फिर उस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक साथ ही आपकी 2-3 लेवल की तैयारी एक साथ ही हो जाए। क्यों, डेली बेसिस की आपको क्या पता चलेगा, डेली न्यूज़ पता चल रही है इससे, ठीक है। उसके साथ उस न्यूज़ पे बेस्ड आपका क्या है, MCQ, और उसके बाद इस पूरी न्यूज़ का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं हम उनको भी ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, इस आयोग की शक्तियाँ क्या है, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, और यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदान की गई शक्तियों के जरिए देश में परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन मैंने पहली स्लाइड पे बता दिया, पिछले वाली पे। फिर देखो, परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं, ठीक है, जिस भी वो तिथि को बोल देंगे वहाँ से लागू हो जाएंगे, और आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है। मतलब जो परिसीमन आयोग जो भी ऑर्डर जारी करता है वो किस रूप में होते हैं, कानून की तरह होते हैं। देखो, ये शब्द याद रखना कि वो स्टेटमेंट ऐसा दे देगा UPSC कि परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश विधि का प्रभाव रखते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज होगी। तो हाँ, बिल्कुल कानून की तरह जारी किए जाते हैं, और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद, लोकसभा और विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की क्या कोई अनुमति है, नहीं, कोई अनुमति नहीं होती। ये भी हमारा क्लियर हो गया, चलते हैं अब आगे। अब ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज CPET के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके बारे में है, CPET की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से की गई। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा,
यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब आपको बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा चेन्नई में यूएनडीपी की मदद से की गई और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसकी क्या है, इसके तहत ये काम कर रहा है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक खबर है, 28 मई की खबर में देखो क्या लिखा है, सी पैट अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बस ये सी आई पी ई टी ही रहेगा, बस पहले क्या था, प्लास्टिक आ रहा था इसमें और अब क्या आ गया, पेट्रोकेमिकल्स आ गया, इतना बदलाव हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द चेंज नेम हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975, ठीक है, तो इसके तहत इसको रजिस्टर किया गया है। अब ये काम क्या करता है, इस इंस्टीट्यूशन का क्या क्या काम है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलो, ये आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अब क्या हो गया, प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल। तब इसके देखो ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने ये स्लाइड लगाई है, आप देख सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1968 में भारत सरकार द्वारा चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से की गई, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शैक्षिक दीर्घकालिक अल्पकालिक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट करके योग्य प्लास्टिक प्रोफेशनल्स को प्रदान करने के लिए, उसके साथ प्लास्टिक प्रसंस्करण प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण, ये सारे काम इसके हैं, ठीक। अब इसमें आप पेट्रोकेमिकल्स को और जोड़ लेना, ये है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मंत्रालय हमारा कौन सा है, मंत्रालय उम्मीद करूँगा आपको याद रहेगा, ये है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान है। देखो सारा का सारा सोर्स, देखो हमारी जो सबसे खास खूबी है स्टूडेंट, हमारा कंटेंट और उसका सोर्स, इस पे मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसलिए एक एक चीज़ जो आपके लिए लगाई जा रही है स्लाइड में, आप उनको ध्यान से देखना समझना, ये प्रीलिम्स में आपको डेफिनेटली हिट करेगी, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत काम आने वाला है ये। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 2016 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर की गई, ठीक है, मतलब बर्थ एनिवर्सरी, या हम करेंगे बर्थ एनिवर्सरी। दूसरा, संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को इस कार्यक्रम के समन्वय के लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया। तीसरा, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाकर सशक्त भारत का निर्माण करना है। अब आप बताइए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में ए बी सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास सही जवाब देने के लिए। जरूर पढ़ी होगी आपने इस स्कीम को। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया और हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ तीसरा तो मतलब सही हो गया और ये दूसरा गलत हुआ है, क्योंकि बी का मतलब तीसरा सही है और दूसरा, पहला और दूसरा गलत है, तो तीसरा तो सही है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। अब ये देखते हैं पहला क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है 2016, नहीं, इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 2015 में, ठीक,
दूसरा जो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, ठीक है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री, इसकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी। और इसका काम क्या है, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो लोग हैं उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर एक हमें सशक्त भारत का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अब ये देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत चर्चा में क्यों आया। ये देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय 28 मई की खबर है, कोविड-19 की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र एक नवोन्मेषी तरीकों अर्थात इनोवेटिव मेथड्स का उपयोग करके कर आगे बढ़ाया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ठीक है, तो मतलब ये कार्यक्रम रुके नहीं, इनोवेटिव जरियों से तरीकों से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम हम देख चुके कौन सी कब लॉन्च किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD है। और काम क्या है, मैंने बता दिया सशक्त भारत का निर्माण करना। किस उपलक्ष में लॉन्च किया गया था, 140वीं जो जन्म तिथि थी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके उपलक्ष पे। अब ये देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ किस तरह से आपको चीज़ों को देखना समझना होगा, देखो तभी प्रीलिम्स हैंडल होगा आपसे। इन दिनों सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क प्रीलिम्स ही है। देखो यहाँ पे जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखो हर एक मंत्रालय के अंदर कुछ ना कुछ बहुत सारे, किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तीन, किसी के अंदर चार, कुछ विभाग होते हैं। तो इसी तरह इस मंत्रालय के अंदर भी दो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा का विभाग हो गया और स्कूल एजुकेशन और साक्षरता विभाग हो गया। अब इसके अंदर दोनों मंत्रालय के इस मंत्रालय के दोनों विभाग के अंतर्गत अलग अलग स्कीम है। देखो अगर हमें ये पता चल गया ना, एक विभाग ये है एक विभाग ये है, तो अब बात अगर हायर एजुकेशन विभाग का हमें पता है कि हायर एजुकेशन विभाग के अंदर UAY उच्चतर आविष्कार योजना एक चल रही है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि अगर उच्चतर आविष्कार योजना की बात की जा रही है तो हम सीधा उसको कनेक्ट करेंगे कि वो हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है। इसी तरह से अगर उन्नत भारत की बात की जाएगी तो हम समझ जाएंगे वो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ स्कूल एजुकेशन की बात मतलब उसमें नहीं की जा रही, हायर एजुकेशन की ओर चल रहे हैं हम। फिर जैसे GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ये हमारी एक पहल है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है। इम्प्रिंट इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप हो गई, ईशान उदय हो गया, ईशान विकास हो गया, प्रगति हो गई, सक्षम हो गई, स्वयं हो गई, NIRF हो गई, विशाखा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हो गया, ये सारे किसके हैं, हायर एजुकेशन विभाग के। बात करें अगर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की, तो हम देखिए यहाँ पे एक चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान, जैसे इसके अंदर बहुत से पढ़े भारत बड़े भारत, नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव NRI बोलते हैं, राष्ट्रीय आविष्कार योजना है, विद्यांजलि योजना है, ठीक है, शगुन पोर्टल है, डिजिटल जेंडर एटलस है, उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि ये कौन से विभाग की है, तो ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक कार्यक्रम है। उसके बाद एकलव्य मॉडल स्कूल्स आ गई है, आपने सुना होगा मिड डे मील स्कीम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसके अंदर भी बहुत सारे चल रहे हैं, शाला सिद्धि हो गया, शाला दर्पण हो गया, अस्मिता हो गया, ई पाठशाला हो गए, बहुत सारी इनिशिएटिव्स है। तो इसी तरह से आप जितने भी आप मंत्रालय पढ़ोगे उसके अपने अपने विभाग है, उस विभाग के अंदर अलग अलग तरह की इनिशिएटिव्स, पहल, कार्यक्रम, योजनाएं चल रही है, पता होगा तो वो सीधा आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। इसलिए इस तरह से पढ़ने की आप कोशिश करना, ठीक है। ये तरीका पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। आगे चलते हैं, अब ये देखिए अगला प्रश्न प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा की गई। दूसरा, FSDC ने वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति HLCCFM मतलब हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, इसको इसने रिप्लेस किया है। तीसरा, इस परिषद की अध्यक्षता वो RBI गवर्नर करता है। अब आपको बताना है कि FSDC के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फिर देखेंगे इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, क्यों चर्चा में रहा। देखिए
2 सेकंड का और टाइम देता हूं आप लोगों को। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट सेकंड क्या हुआ? करेक्ट है। और स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की कि ये रॉन्ग क्यों है। देखो इसमें लिखा है एक वैधानिक निकाय है, नहीं ये नॉट अ स्टैट्यूटरी, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। वर्ष 2010 में स्थापना हुई, बिल्कुल सही हुई है। और इसने वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समिति अर्थात हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट, इसको रिप्लेस किया, बिल्कुल रिप्लेस किया है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो वित्त मंत्री करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये प्रश्न बना क्यों। ये देख सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पेंडेमिक थ्रेट टू स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पेंडेमिक के चलते वित्तीय स्थिरता को क्या है उसको खतरा है उसके सामने, उसके समक्ष। और FM फाइनेंस मिनिस्टर टेक स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन फर्स्ट FSDC मीट आफ्टर COVID-19 आउटब्रेक, मतलब COVID-19 आउटब्रेक के बाद ये FSDC की मीटिंग की बात हुई है यहाँ पे। और ये कौन सी मीटिंग थी? मेरे हिसाब से 22वीं मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा। हमारे लिए जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है क्या, ये काम क्या करती है, क्यों ये अस्तित्व में आई। चलते हैं, ये देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जा रही है। कब बनी? 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में अर्थात कार्यकारी निकाय, इसको लिखेंगे हम कार्यकारी निकाय के रूप में, इसकी स्थापना की। फिर इसने किसको प्रतिस्थापित किया? हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट, जो मैंने बता दिया वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति। ठीक है, ये जो आइडिया था कि इस तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए, सबसे पहले इसका जो विचार दिया था रघुराम राजन कमेटी थी 2008, वहाँ पे इसका विचार आया। अब ये देखिए, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है ये। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों बनाया गया इसको? ताकि ये क्या कर सके, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या कर सके। ऑब्जेक्टिव्स आर टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर द मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जितना भी हमें जो मैकेनिज्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के, उनको मजबूत किया जाए और उनको संस्थानीकृत, उनको एक संस्थानीकृत रूप दिया जाए। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे रेगुलेटरी हमारे यहाँ बॉडी है उनके बीच में क्या किया जाए, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है भाई, जैसे सेबी है ना, PFRDA है, RBI है, इन सब के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने का भी काम करना है। और इसका जो चेयरमैन होता है, देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ 12 मेंबर होते हैं, जैसे RBI का गवर्नर, सेबी का चेयरमैन, IRDA का चेयरमैन। ठीक है, अब ये IRDA ही हो गई है वैसे, IRDAI, ओके इसको याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ये देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो स्थापना कब हुई? 2010 में। ठीक है, इसमें सारे रेगुलेटर्स को शामिल किया गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसमें। और ये हाईएस्ट फोरम है किस मामले में? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भारत में बढ़ावा देने के लिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप देखो इसका काम क्या है, देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, ये काम हो गया। चलो ये नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर का विकास, वित्तीय जो क्षेत्र है भारत में, वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, ये इसका काम है। और उसके बाद जो मैक्रो प्रोडेंशियल सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो वृहद जो प्रोडेंशियल जितने भी सर्विलेंसेज है उनको बढ़ाना, उनको बनाए रखना। उसके साथ साथ जो भारत में वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता को प्लस वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद जो अंतर नियामकीय समन्वय, जो बहुत सारी बॉडी है, अंतर नियामकीय विनियामकीय लिखेंगे इसको थोड़ा सा हिंदी में, विनियामकीय समन्वय को बढ़ावा देना।
ठीक है, यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताना कि जो बात की है मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की, वित्तीय समावेशन, इससे आप क्या समझते हो, ये मुझे आप, ठीक है, आप क्या समझते हो से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एक्चुअल ये है क्या, वो बताना आप मुझे। हो सकता है आप कुछ गलत ही समझते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, ठीक है, और इसके पिलर क्या होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट, एक तरफ दर्रे है और दूसरी तरफ है, मतलब एक तरफ पासिस है ये, दूसरी तरफ है स्टेट्स और यूटीज। तो पासिस में क्या हो गया, जोजीला हो गया, दूसरा हो गया मुलिंगला पास हो गया, तीसरा हो गया देबसा, ठीक है, और इधर कौन कौन से स्टेट है, लद्दाख हो गया, उसके बाद दूसरा क्या है, सिक्किम है, उसके बाद उत्तराखंड है, ठीक है। थोड़ा बारिश आ रही है मेरे इधर काफ़ी तेज़, आपको आवाज़ आ रही हो तो ठीक है, उसको एंजॉय करना, इरिटेट होने की बात नहीं है उससे। उसके बाद देखिए अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सही सुमेलित है, जोजीला, मुलिंगला और देबसा, ठीक है, ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए बी सी या डी। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब सिर्फ पहला सुमेलित है जोजिला, मुलिंगला भी गलत है और देबसा भी गलत है। तो पहले तो ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, ये देखते हैं पहला प्रश्न, ये देखिए, वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इश्यू पीसफुली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम उसको समाधान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि मैं कुछ मध्यस्थता कर लूँ, तो इंडिया ने बोला नहीं, हम आपसी रूप से इसको सुलझा लेंगे। और यहाँ पे एक लाइन की है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इशू वुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू 5 एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट साइन बाय इंडिया एंड चाइना बिटवीन 1993 से लेके, इंडिया ने क्या बोला है, 1993 से लेके 2013 के बीच हमारे बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए 5 एग्रीमेंट हुए हैं, 5 एग्रीमेंट्स, उनके जरिए हम इसका समाधान करेंगे और आपसी रूप से ही समाधान कर लेंगे, हमें किसी बाह्य सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये जान लेते हैं, जोजिला पास की बात की गई थी, ये देखो इम्पोर्टेंट सड़क जो लिंक प्रदान करता है किसके बीच में, एक तरफ श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड ले ऑन अदर साइड, ठीक है। अब इसको क्या, नेशनल हाईवे NH1D इसका नाम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द रोड एंड क्लीनिंग इट, इसके रख रखाव का काम किसकी जिम्मेदारी है, सीमा सड़क संगठन की। उसके बाद मुलिंगला पास दे सकते हैं, ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, इसकी हाइट देख सकते हैं 5669 मीटर की ऊंचाई पे है। फिर है देबसा पास, ये देखिए ये किसके बीच में लिंक करता है, ये कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, किस ऊंचाई पे है, 5270 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जोजिला भी आ गया, मुलिंगला आ गया और देबसा पास आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, लॉकडाउन मॉड्यूल में जाके इंडिया वर्ल्ड मैपिंग की क्लास कीजिए, वहाँ पे इंडेक्स रिपोर्ट के ऊपर क्लासेस की है आपके लिए, इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस है, वहाँ पे साल भर का आर्ट एंड कल्चर है, निर्माण आईएएस की प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ सारी डिटेल मिलेगी, डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको सीधा ही वहीं से मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या है, 36वें राष्ट्रीय 36 नेशनल गेम्स अक्टूबर नवंबर 2020 में निम्नलिखित किस राज्य में प्रस्तावित थे, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा और असम, बताइए क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। 36 नेशनल गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे और हमारे इधर काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, ठीक है, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब गोवा इसका सही उत्तर है, गोवा में आयोजित होने वाले थे ये। अब देखते हैं क्यों बनाया गया SMCQ को, नेशनल गेम्स पोस्टपोन इनडेफिनेटली, मतलब जो राष्ट्रीय जो खेल है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए, पता नहीं कब होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 36 नेशनल गेम्स शेड्यूल फॉर अक्टूबर नवंबर इन गोवा, इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे, 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में, लेकिन COVID-19 पेंडेमिक के चलते इनको क्या कर दिया गया है, इनको होल्ड कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे WHO फाउंडेशन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कानूनी रूप से WHO फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO से पृथक एक संस्था है जो पेरिस में पंजीकृत है। दूसरा, यह WHO के कामकाज के लिए गैर पारंपरिक अर्थात नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से क्या जुटाएगा, उसके लिए फंड जुटाएगा। ये बात बोल रहे हैं कि क्या ये WHO फाउंडेशन के बारे में दोनों कथन सही है, ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा प्रीलिम्स के लिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन यस। अभी आपको मैं और 3 सेकंड का टाइम देता हूं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि ये पेरिस में पंजीकृत नहीं है। ये पंजीकृत कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, ये स्विट्जरलैंड में पंजीकृत है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ ये प्रश्न क्यों बनाया गया, पूरा डिटेल में बताऊँगा ये WHO फाउंडेशन आया कहाँ से, क्यों आया और कैसे आया। चलते हैं, ये देखिए सबसे पहले तो जानिए 27 मई की खबर है, WHO फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया गया टू सपोर्ट क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ नीड्स। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला था कि हम WHO को फंडिंग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? WHO कहीं से तो फंडिंग का और अपने आप इस इंस्टीट्यूशंस को काम करने के लिए, इसको वर्किंग कैपिटल, इसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसको फुलफिल करने के लिए WHO फाउंडेशन बनाया गया। आप जानते हैं इस खबर को, ये देखिए WHO फाउंडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियसिस और WHO फाउंडेशन के संस्थापक के नाम प्रोफेसर थॉमस जेल्टनर ने COVID-19 पर आयोजित नियमित प्रेस वार्ता में WHO फाउंडेशन की घोषणा की। अब ये देखिए WHO, यह कानूनी रूप से WHO जो मतलब फाउंडेशन है वो WHO से एक अलग संस्था है जो स्विट्जरलैंड, देखो वहाँ पेरिस लिखा था जबकि कहाँ है, स्विट्जरलैंड, और जो WHO का मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। उसके बाद WHO जो फाउंडेशन है, WHO को कामकाज के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों से फंड जुटाएगा, ये पैसे आम लोगों और बड़े दानदाताओं से मतलब जो डोनर्स आएंगे और आम लोगों से इनको जुटाया जाएगा, और सहमति पत्र के जरिए दोनों संगठन एक दूसरे से सम्मत भी रहेंगे। फिर देखो WHO प्रमुख ने कहा कि फाउंडेशन से मिलने वाली राशि सदस्य देशों से मिलने वाली मदद की राशि से बिल्कुल अलग रहेगी। उसके अलावा इससे नई परियोजनाओं पर काम शुरू करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार WHO के कामकाज का दायरा भी बढ़ सकेगा, और शुरुआत में जो पैसा आएगा WHO फाउंडेशन का, उसका COVID-19 महामारी से लड़ने में इस्तेमाल भी होगा। फिर नोट देखिए यहाँ क्या डाला है हमने, अमेरिका द्वारा पिछले दिनों WHO को दी जाने वाली मदद रोकने के परिप्रेक्ष्य में ही WHO फाउंडेशन की स्थापना हुई, और इससे संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाला WHO अपने खर्चे और परियोजनाओं के लिए सदस्य देशों की मदद पर अब निर्भर नहीं रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको WHO फाउंडेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट लिख के बताना आपको कैसा लगा ये। ठीक है, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं जो और आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, डेली बेसिस पे। आगे चलते हैं, अब आज का हमारा अभ्यास प्रश्न देखिए। अभ्यास प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की? और ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। जो भी सही उत्तर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए WHO, ये 28 WHO कह रहा हूँ मैं, इतना डिस्कस किया WHO तो मुँह से WHO ही निकल रहा है। 28 मई का अभ्यास प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस के रखरखाव के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? ठीक है, और ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आप में से सारे बच्चों ने सही जवाब दिया और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ये देखिए अब इस MCQ का आधार क्या था, कर्नाटक टू सून हैव हेल्थ रजिस्टर फॉर ऑल सिटीजन्स, ये 27 मई की खबर थी। जल्द ही क्या लेके आएंगे, अपने सभी सिटीजन्स के लिए हेल्थ रजिस्टर लेके आएंगे। ओके, निर्माण आई इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।